हेलो गाइस आज हम बात करेंगे रियल मी नाजो ट्वेंटी ट्वेंटी प्रो ट्वेंटी ए के बारे में जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं आज हम बात करेंगे इनके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जब भी आप लोग का इस नया डिवाइस परचेस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को जो है हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो नई नई सेटिंग्स यहाँ पे ढूंढने में कुछ कुछ फ़ीचर आप लोग को नहीं पता चल पाता बट आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला पूरे फीचर और कुछ भी जो भी हिडन ट्रिक्स रहते टिप्स एंड ट्रिक्स सब आप लोग के साथ शेयर करूँगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करें सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में रियलमी का अकाउंट बना लीजिएगा फर्स्ट में आप लोग को एरोप्लेन मोड दी जाएगा उसके बाद आप लोग को सिम कार्ड का सेटअप मिल जाएगा सिम कार्ड के ऊपर हमने एक पर्सनल वीडियो बना चुके आप लोग उसको चेकआउट कर सकते कि भाई कॉलिंग किस सिम से करना है इंटरनेट किस सिम से यूज़ करना है वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं थर्ड में आप लोग को वाईफाई सेटिंग मिल जाएगी ब्लूटूथ की सेटिंग मिल जाती है अदर वायरलेस कनेक्शन की बात करें यहाँ पे आप लोग को जो है वाईफाई का सिस्टम मिल जाता है मतलब कि सॉरी हॉटस्पॉट का सिस्टम मिल जाता है और यहाँ पे आप लोग को ब्लूटूथ थीरिंग मिल जाती है इसमें आप लोग जो है ब्लूटूथ uh, द्वारा इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं अदर की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को वी और यहाँ पे प्राइवेट डी एन एस देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप लोग को प्रिंट का सिस्टम मिल जाता है आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जो है प्रिंट वगैरह का सिस्टम मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी बात है आप लोग प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन को और प्रिंट निकालाब उठा सकते हैं नोटिफिकेशन में है, इंस्टेटर की बात करेगा इसके ऊपर भी हमने एक पर्सनल वीडियो बना चुका है कि भाई लोगों की टाइप सेट करें जैसे कि बैटरी परसेंटेज हो गया सिम लोगो हो गया नेटवर्क स्पीड हो गया इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना चुके डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें डार्क मोड का सिस्टम मिल जाता है आप लोग को आई कंफर्ट का सिस्टम मिल जाता है आप लोग को रोटेशन का सिस्टम मिल जाता है और आलवे ऑन डिस्प्ले का यहाँ पे आप लोग को फीचर प्रोवाइड किया जाता है फ़ोन के ऊपर भी हमने एक पर्सनल वीडियो बना चुके आप लोग उसका चेकआउट कर सकते डिस्प्ले साइड फोन साइज आप लोग चेकआउट कर सकते और स्क्रीन डिस्प्ले की बात करें यहाँ पे तो आप लोग को फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप फुल स्क्रीन डिस्प्ले बाय ऐप यहाँ पे आप लोग इस ट्रेक का फीचर मिल जाते हैं नीचे आप लोग को होम स्क्रीन मोड और सेट वाल पेपर का सिस्टम मिल जाता है जो कि नॉर्मल सी बात है आप लोग इसको कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं इसके लॉक स्क्रीन के बारे में इसके ऊपर भी हमने एक पर्सनल वीडियो बना चुके हैं तो आप लोग उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को सिस्टम मिल जाता है मीडिया वॉल्यूम का रिंगटोन का अलार्म का और यहाँ पे आप लोग जो अपना रिंगटोन वगैरह सेट कर सकते हैं भाई रिंगटोन मैसेज की सेट करना है डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन की सेट करना है डाइप डायल पे टोन आप लोग को सेट करना है टच साउंड शॉर्ट सेट करना है लॉक स्क्रीन साउंड हो गया वाइब्रेट ऑन टच स्क्रीन साउंड स्क्रीन शॉट साउंड फिंगर प्रिंट एनिमेशन साउंड डिलेक्सन साउंड जो कि काफ़ी नया लगा रियल साउंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाती है जिसमें आप लोग जो है साउंड को अपने हिसाब से ऑप्टोमाइज़ कर सकते हैं ऑप्टोमाइज़ मतलब अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसे कि बेस हो गया ट्रेबल हो गया ये आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं बट इसमें भी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि यहाँ पे आप लोग जब तक इसमें एयरफोन नहीं लगाते तब तक ये वर्क नहीं करता तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा नीचे आप लोग कुछ अदर सेट जो कि अपने कुछ ज़्यादा काम करती है उसके बाद हम बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड के बारे में तो इसके ऊपर भी हमने पर्सनल वीडियो बना चुके उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते तो उसके बाद सब लोग को स्मार्ट सर्विस मिल जाता है इसमें और यहाँ पे आप लोग को कुछ मोड वगैरह देखने को मिल जाता है जैसे कि स्मार्ट ड्राइविंग मोड आप लोग को ये जो है ना कहीं इस कार चलाते वक्त काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन <coughs> मिल जाता है जिसमें आप लोग को जो है कार वगैरह आप लोग ड्राइविंग कर रहे तो इसमें आप लोग को जो सिस्टम क्या रहता है ना कि जैसे कॉलिंग वगैरह आता है ब्लूटूथ से अगर आप लोग कनेक्ट कर देते अपने फ़ोन को तो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी और इस ऑप्शन में आप लोग को जो है बेसिकली अगर आप लोग ड्राइविंग करें तो आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल ये फीचर होने वाला है उसके बाद राइडिंग मोड की बात करें लगभग सेम है कार आप लोग ड्राइव कर रहे तो आप लोग ड्राइव स्मार्ट ड्राइविंग पे कर दीजिएगा राइडिंग मोड अगर आप लोग बाइक वगैरह चला रहे तो आप लोग राइड राइडिंग मोड में अपने फोन को कर दीजिएगा नीचे आप लोग स्मार्ट असिस्टेंट का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है उसके बाद आप लोग को बात करें कॉन्वेंस टूल में तो यहाँ पर आप लोग को नेविगेशन बटन मिल जाता है एस ट्यूब बेल हो जाता है स्मार्ट साइड बार जेस्टर इन मोशन यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाते हैं नीचे आप लोग को एक्सेबिलिटी सेटिंग ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सिस्टम यहाँ पर मिल जाता है तो नेविगेशन बटन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारी नेविगेशन बटन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है रियल मी तरफ से जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हैं एस टी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को बेल का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि यहाँ पे क्या होता था ना कि पहले आप लोग को वाई फोन में इस टाइप का सेटअप देखने को मिल जाता था बट आजकल जो यहाँ पे रियल में भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है स्मार्ट साइड बार हर फोन में जो है फर्स्ट टाइम अगर परचेस कर दे तो ये इनेबल रहता है डिसेबल करना चाहिए तो आप लोग डिसेबल भी सही कर सकते हैं नीचे आप लोग को जेस्टर एंड मोशन की बात करें तो स्क्रीन नाप जेस्टर मिला था आप लोग को राइस टू वेग इस टाइप के कुछ जेस्टर्स यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं और ये जो मोशंस वाली जो सेटिंग दिख रही गई सी ये एक तरीके से बोल सकते हैं हम इसको स्मार्ट कॉल स्मार्ट कॉल के ऊपर अगर आप लोग को एक पर्सनल वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा उसके बाद हम करते बैक और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूंगा इस डेवलपर ऑप्शन के बारे में एडिशनल सेटिंग में जाएंगे सर यहाँ पे आप लोग को डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल रहा है अगर आप लोग के फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप लोग अपने फ़ोन में अबाउट सेक्शन ओपन करें वर्जन पे बिल्ड नंबर पे लगभग आप लोग को छः से सात बार टाइप करना है और वहाँ पर आप लोग का अब जो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन हो जाएगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ डेवलपर ऑप्शन का इस क्योंकि ना डेवलपर ऑप्शन में आप लोग को बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि आप लोग डी वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे फीचर्स मिल जाते जैसे कि सो so टच का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है पॉइंटर लोकेशन का हो जाता है सरफेस अपडेट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं तो उसके बाद आप लोग को स्मॉलेस्ट विद यहाँ पे भी मिल जाता है कुछ सिस्टम यहाँ पे आप लोग को ऐसे मिलते हैं जो कि आप लोग को जो है बाहर देखने को मिलते अगर आप लोग के फ़ोन में बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग इस पर क्लिक करें आप लोग इसको स्टैंडर्ड लिमिट पर रखें वो कि ही रहता है और कुछ टाइप के यहाँ पर आप लोग को फोर्स डेस्कटॉप टॉप पॉइंट यहाँ पे कुछ टाइप के फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक्सेबिलिटी सेटिंग की बात करिएगा तो यहाँ पे आप लोग अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोग को बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है रियलमी तरफ से जिसमें आप लोग को हाई कॉन्ट्रास्ट टैक्स भी यहाँ पे दिया जाता है और मोनो ऑडियो का भी सपोर्ट यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है बैकअप एंड सेट की बात करेगा इस इसके ऊपर भी हमने एक पर्सनल वीडियो बना दिया है आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते तो बैक करेंगे उसके बाद और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को भूल गया बताना रिसेंट टास्क मैनेजर पे आप लोग दिखते इसमें क्या होता नहीं क्या इसकी जब भी आप लोग जैसे बैक रिसेंट का बटन दबा दे तो यहाँ पे आप लोग को रैम का सिस्टम नहीं मिलता तो आप लोग रिसेंट टास्क पे क्लिक करें और ये जो ऑप्शन ऑफ रहेगा आप लोग सिम्पली इसको ऑन कर दीजिएगा तो आप लोग के फ़ोन में बता देगा कि यार कौन सा एप्लीकेशन कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ओ कनेक्शन का सिस्टम यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है एक्सेसबिलिटी सिम कार्ड ऐप्स की बात करें ऑटोमेटिक ऑन ऑफ वीडियो कॉल ब्यूटिफिकेशन मिल जाता है आप लोग को डाउनलोड मैनेजमेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है स्क्रीन शॉट की बात करेगा इस तो तीन फिंगर से आप लोग यहाँ पे स्क्रीन ले सकते हैं और यहाँ पे कुछ और भी फीचर प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप लोग जो है तरह तरह के ऑप्शन से जो है यहाँ पे फिंगर मतलब स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जो काफ़ी अच्छी बात है डेटा एंड टाइम मिल जाता है आप लोग को स्टोरेज की सेटिंग मिल जाती है यूज़र गाइड टिप्स लैंग्वेज की बात करें अगर आप लोग को लैंग्वेज वगैरह चेंज करना है तो लैंग्वेज अगर यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम पे आप लोग को सेटअप करना ही पड़ता है उसके बाद एप क्लोनर होगा गेम स्पेस स्प्लिट स्क्रीन ऐप मैनेजमेंट और कुछ यहाँ पे सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं रियल मी के तरफ से और यहाँ पर प्राइवेसी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग जो है कुछ सिस्टम वगैरह हाइड कर सकते जैसे कि प्राइवेट सेप की बात करें तो यहाँ पर आप लोग अपना पर्सनल डाटा वगैरह हाइड कर सकते ऐप लॉक लगाना चाहते हैं ऐप लॉक लगा सकते लॉक स्क्रीन में कुछ लगाना चाहते लगा सकते हैं आप लोग अदर सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को साइन इन वगैरह करना पड़ता है और भी आप लोग को यहाँ पे जो स्मार्ट लॉक के फ़ीचर प्रोवाइड किए जाते हैं और ब्लॉक एंड फिल्टर की बात करें तो अगर आप लोग किसी का भी कॉल ब्लॉक वगैरह करना है तो यहाँ से आप लोग उसको कर सकते हैं और इस टाइप के कुछ कुछ फ़ीचर्स जो यहाँ पर रियलमी नार्जो ट्वेंटी ट्वेंटी प्रो में प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगी जमा दादी